एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, घर के बाहर खेलती 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। मुरादाबाद के एक गांव में 7 साल की बच्ची का अपहरण, उसके साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की 22 दिसंबर को अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी। उसका शव शुक्रवार की रात को उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में मिला था। शनिवार को किए गए एक शव परीक्षण में पुष्टि हुई कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है और फिर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने IPC की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत रेप हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। लड़की 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और उसके पिता सब्जी विक्रेता है। उसके लापता होने के बाद उसके परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी तलाश में पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी लेकिन वह नहीं मिली। शुक्रवार को एक किसान अपने खेत में गया तो क्षेत्र से दुर्गंध आ रही थी। फिर उसने इसके स्रोत की तलाश शुरू की और तब उसे वहाँ पर उसका शव मिला। लड़की की माँ ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को हर जगह खोजा लेकिन वह नहीं मिली। मुझे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। थाना क्षेत्र कांठ के कस्बा कांठ में एक अभ्यस्क बालिका के घर से खेलते समय गायब होने की सूचना पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से बालिका का तलाश की जा रही थी। कल बालिका का घर से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर खेत में शव बरामद हुआ है। इस संबंध में बालिका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम से हत्या एवं दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, पोस्टमार्टम में कितने दिन पहले हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है? एक दिन पहले ये बताया गया है। शेष सभी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।